आ रहे हैं हम लोग और बैठ चुके हैं यहाँ पे शानदार तरीके से, और ये सारी टीम हमारी बैठ गई है। देखिए डर रही है बैठने में, पानी कट रहा हूँ आगे से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रसीद और रसीद ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको लेकर आया हूं ब्रिज पर, जो कि ये है देवगढ़ रोड। और ये ब्रिज मेरा देख रहे हैं, ये स्टेशन का ब्रिज है। यहां पर पहले नीचे से रास्ता थी, अब ये नया ब्रिज बन चुका है। और मेरे पीछे देख रहे हैं ये ललितपुर स्टेशन है। तो यहाँ से देखिए देवगढ़ जाते हैं हम लोग, और अभी हम लोग जा रहे हैं बंदरगुड़ा। यहाँ से है 40 किलोमीटर की दूरी पर। तो हम लोग सभी जा कर के पहुँच के हम लोग आपको बताएंगे, तो हमारे साथ में बने रहिए। तो दोस्तों जैसे हमने बताया था, हम लोग बंदरगुड़ा यहाँ से मुड़ चुके हैं। ये पीछे देख रहे हैं, ये पावर प्लांट लगाया गया है नहर पर, और ये नहर इस साइड में गई है। ये पावर प्लांट पूरे नहर पर लगाया गया है बंदरगुड़ा तक, और इस साइड भी। और हमारे कुछ साथी हैं ये लोग, और साथ ही कुछ पीछे है हमारे। हेलो गाइस, हेलो गाइस। और एक जी है हमारा सलमान पीछे, और जे गया है देवगढ़ रोड, जे वाला सीधा देवगढ़ रोड गया है। और यहाँ से हम लोग आए हैं ललितपुर से, ये जाखलोन साइड। और ये देखिए पूरा पावर प्लांट लगाया गया है नहर के ऊपर, नीचे से पानी जाता है, और ये पावर प्लांट यहाँ पर लगा हुआ। तो अंदर चलते हैं हम बंदरगुड़ा, पंप कैनाल के नाम से भी इसे जाना जाता है। बंदरगुड़ा के जंगल में यहाँ पर देखिए बहुत ही सुकून मिल रहा है। यहाँ पर बहुत ही शांति है, अच्छी ठंडक है, और हवा भी है। यहाँ पर फोटो शूट चल रहा है भाई, पूरा फुल मज़ा ले रहे हैं यहाँ पर, एंजॉय हो रहा है दम से। देखिए बैठे हैं, हवा ले रहे हैं जंगल में। सन्नी भाई, सन्नी बाय बाय करो सन्नी। और देखो यहाँ पर चलिए चुटकी में, चुटकी से प्यार हो जाए। यहाँ पर एक मंदिर है दोस्तों, हम लोग बंदरगुड़ा से आधी रास्ता में आ चुके हैं, थोड़ी दूर बंदरगुड़ा है। तो ये मंदिर जो है यहाँ पर रास्ते में पड़ता है, तो मैं आपको बता दूँ केर मंदिर के नाम से ये जगह जानी जाती है। जो मंदिर है इसका नाम है केर, केर माता के नाम से ये फेमस है। और आप लोग यहाँ पर आएँ तो जो बच्चों के लिए देखिए यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है, जैसे कि दाँत खाज खुजली और तमाम तरीके की ऐसी हो जाती है बच्चों के लिए, तो सूखी वगैरह। तो यहाँ पर आएँ बच्चों को लेकर के, उन्हीं कपड़ों में नहलाएँ, कुंड के पानी से नहला करके यहाँ से नए कपड़े पहना कर आप ले जाएं अपने घर, और बिल्कुल पूरी तरीके से सही हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो ये माता का जो मंदिर रास्ते में पड़ा था, तो मैंने सोचा आपको बता दूं ये। और यहाँ पर संडे को यानी इतवार के दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, और काफ़ी अभी मैंने जैसे वीडियो में दिखाया तो यहाँ पर अभी भी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, फोर व्हीलर वगैरह। तो आप लोग ज़रूर आएँ। और ये पिकनिक पॉइंट आगे है, जो कि पंप कैनाल के नाम से भी जाना जाता है, और बंदरगुड़ा के नाम से भी फेमस है। तो आप लोग ज़रूर आएँ, और मैं आप वीडियो के माध्यम से अगर आना चाहते हैं तो एंड तक पूरी वीडियो देखें, और यहाँ पे हम आपको ये मज़ा देंगे। और बरसात में बहुत ही अच्छा मौसम हो जाता है, चारों तरफ हरियाली रहती है, पानी होता है। अभी तो थोड़ा पानी कम है, तो झरना चालू नहीं हुए हैं, वरना यहाँ पर झरना भी चालू हो जाते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं आपको दिखाने के लिए। जंगल का देखिए आप देख सकते हैं, बहुत ही गजब का यहाँ पर नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये। और ये रोड गया है सीधा बंदरगुड़ा को, सीधे आगे आप जाएंगे बंदरगुड़ा है। तो हम लोग आ चुके हैं पंप कैनाल, जाखलोन पंप कैनाल नहर। ये नहर गई है सीधी ललितपुर के पीछे से, तो बंदई में गई है ये, ललितपुर बंदा के पीछे गई है। और यहाँ पर देखिए ये नदी है, बहुत बड़ी नदी, चारों तरफ मैं आपको नदी दिखा रहा हूँ। और ये बहुत ही पिकनिक पॉइंट है, बहुत ही गजब की यहाँ पर जगह है। अंदर पार्क है, और खाने की होटल भी है यहाँ पे, व्यवस्था है, रेस्टोरेंट भी है अंदर। तो अंदर चल के हम आपको वो नज़ारा दिखाते हैं, बहुत ही शानदार नज़ारा है। आप कहीं भी ज़्यादातर बरसात में आएँ और सर्दियों में आएँ, क्योंकि गर्मी तो बहुत लगती है, गर्मी की कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग सर्दियों में आएँ और बरसात में फुल मज़ा लें, यहाँ का इंजॉय करें। तो आइए मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ पंप कैनाल का नज़ारा है, यहाँ से देख सकते हैं आप, काफ़ी आप खुद समझ जाएंगे यहाँ का देखकर। और साफ़ सफाई भी चल रही है यहाँ पे, देखिए ये लोग लगी हुई हैं भाई साफ़ सफाई में,
बहुत ही यहाँ पर ध्यान रखा जाता है और काफ़ी अच्छा प्लेस है यहाँ पर। तो आप लोग अपनी फैमिली को लेकर, दोस्तों के साथ, किसी के भी साथ जब भी मन करे आप आ सकते हैं यहाँ पर। स्थापना बोर्ड है तो यहाँ पर 2001 में देखिए यहाँ पर स्थापना हुई थी। डॉक्टर गोनाबाई, डॉक्टर अरविंद कुमार जैन थे यहाँ पर। तो देखिए उनके द्वारा यहाँ पर 2001 में स्थापना हुई थी। यानी कि जो डेकोरेशन, यहाँ की साफ़ सफाई वगैरह जो हुआ था यहाँ पर, तो वैसे तो ये बहुत पुराना है मगर 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर से नज़ारा है देखिए, यहाँ से हम लोग अंदर चल रहे हैं और आपको नदी का नज़ारा यहाँ से दिखाएंगे। हमारे समीम भाई यहाँ से फ़ोटो शूट करते हुए और काफ़ी, और पीछे से गाड़ी आ रही है तो ये साहब लोगों की गाड़ी है जो यहाँ के देख रेख करने वाले जो लोग हैं साहब लोग, उनकी ही गाड़ी है। यहाँ पर काफ़ी साफ़ सफाई का काम चल रहा है क्योंकि घास फूस ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरफ से हम का देखिए अब नज़ारा यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ पीछे का, ये है शानदार नज़ारा। तो ये आप देख सकते हैं, ये पार्क है, बहुत ही शानदार पार्क बना हुआ है, पेड़ लगे हुए नारियल के, और ये नज़ारा देख सकते हैं आप। और ये देखिए नदी, काफ़ी बहुत ही बड़ी आपको नदी दिख रही है और वहाँ पर फोटो शूट हो रहा है सब लोगों का। डले हुए हैं यहाँ से, ये नहर का नज़ारा है। तो ये पाइप देखिए यहाँ से चलता है और ये जो नहर मैंने आपको बताई थी, ये पाइप है और ये नहर यहाँ से गई हुई है, पंप कैनाल की जो नहर है। और ये सारी पार्टी देखिए फ़ोटो शूट करते हुए, काफ़ी यहाँ से नज़ारा देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। और ये सीधा नीचे गए हुए हैं, काफ़ी नीचे हैं ये, कम से कम 150 फुट बताते हैं नीचे। और यहाँ से नीचे से देखिए मशीन द्वारा पानी आता है और जब नहर चलती है तो बहुत ही स्पीड में नहर चलती है, पंखे लगे हुए हैं। और ये नदी तो आप देख ही रहे हैं काफ़ी दूर से आई है, देखिए रणछोड़ से ये नहर नदी आई है, बहुत बड़ी नदी है। और देखिए यहाँ से गई है राजघाट, गई सीधी राजघाट बांध के अंदर ये नदी गई है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ का, बहुत ही बड़ा नज़ारा है देखने के लिए। आप आएँ मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है और आप देख ही सकते हैं यहाँ से, ये नहर का नज़ारा है। और ये यहाँ पर देखिए पूरा, जैसे मैंने आपको बताया है, सारा का सारा यहाँ पर पिकनिक पॉइंट बहुत ही अच्छा है, प्लेस भी बहुत ही गजब का प्लेस है। देखिए बादल दिख रहा है, फ़ोटो शूट चल रहा है यहाँ पर और देखिए हवा चल रही है, काफ़ी हवा के फ़ोटो शूट भी यहाँ पर चल रहा है। देखिए काफ़ी खुश हैं लोग, मज़ा आ रहा है इन लोगों को काफ़ी। फोटो शूट चल रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, देखिए शानदार फोटो शूट। सन्नी थे आप, कब बिरयानी हमारे साथ है देखिए। नीचे तो नीचे का रास्ता थोड़े पीछे आना पड़ेगा आपको वहाँ से। और यहाँ पर देखिए ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पर नाश्ता खाना पीना आप कर सकते हैं, खा सकते हैं यहाँ पर। और ये यहाँ का रास्ता है यहाँ से आने का, तो आप 4-व्हीलर से, 2-व्हीलर से, किसी भी चीज़ से आ सकते हैं। तो यहाँ पर रास्ता है और ये यहाँ पर रेस्टोरेंट है और हम लोग यहाँ पर पार्किंग भी है, गाड़ी सुविधा बहुत ही बढ़िया है, तो यहाँ पर आ सकते हैं आप, अवेलेबल है हर चीज़ यहाँ पर। और यहाँ पीछे आपको देख सकते हैं यहाँ पर बैठने का सुविधा भी है पीछे, जो कि यहाँ पर देखिए गार्डन बना हुआ है। तो अभी फ़िलहाल में बंद है लेकिन बैठ सकते हैं कभी भी आप चाहें तो, यहाँ पर गर्मियों के लिए ये बनाया गया है बैठने के लिए, बहुत ही शानदार, यहाँ पर आप ज़रूर आएँ। देखिए काफ़ी अच्छी हवा ले रही है। तो क्या प्लान है आगे का, कहाँ चलेंगे अभी? प्लान ये है, पानी में नहाएंगे, नहाएंगे तो बढ़िया, नाव चलाएंगे, नाव चलाएंगे। देखिए नाव भी बहुत ही फेमस है यहाँ की, नाव भैया बात करने गए हैं बोट के लिए, तो उस बोट से जाएंगे। साहू जी आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये बात, पार्टी जब ही होगी कटाने के लिए, क्योंकि नाव में बैठेंगे हम लोग बोट में, तो बोट में यहाँ पर 50 रुपये टिकट है पर सवारी। और हमारे फिरोज भाई हैं अंदर, हमारे फिरोज भाई हैं। अरे अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये बोट में घूमने के लिए देखिए फिरोज भाई हमारे, फिरोज भाई इधर, फिरोज भाई देखिए हमारी मुलाकात हो गई फिरोज भाई से, और काफ़ी
फिरोज भाई हमारे बहुत ही अच्छे मैनेजर हैं, यहाँ के ओनर हैं। और यहाँ पर देखिए, आप आइए तो आपको कुछ, अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो थोड़ा बहुत कंसेशन भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर फिरोज भाई के द्वारा। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखिए होटल है, व्यवस्था काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, तो आप लोग ज़रूर हैं। पब प्लेस बहुत ही अच्छा है यहाँ का, ठीक है फिरोज भाई, शुक्रिया भाई। और ये रास्ता है नीचे की तरफ को, हम देखिए जा रहे हैं बोट के पास, तो बोट में हम लोग नज़ारा बोट का भी लेंगे यहाँ से, और हम लोग आपको दिखाएंगे नीचे चल के। देखिए यहाँ पे आ चुके हैं और इसमें हम लोग अभी सवार होंगे। तो ये है वो बोट, और लहरें देखिए काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पे। तो इसमें अंदर ये लोग बैठ चुके हैं ऑलरेडी, हम लोग भी बैठने वाले हैं। जी आ रही है नाव, इसमें बैठेंगे हम लोग। देखिए जे वाली बड़ी वाली नाव, अभी ये टूर करके आ रही है, अभी हम लोग इसमें जाएंगे, हम लोग बैठेंगे यहाँ पे। देखिए इससे हम लोग जाएंगे, तो अब हम लोग जाएंगे यहाँ से सीधे निकलते हुए अंदर की तरफ। हमारी टीम बैठ चुकी है पूरी, आ रहे हैं हम लोग और बैठ चुके हैं यहाँ पे शानदार तरीके से। और ये सारी टीम हमारी बैठ गई है, देखिए डर रही है बैठने में। हेलो, दिखा रहा है ये सब लोग बैठो भाई, ढाई गाय। अब हम लोग पूरे बैठ चुके हैं, सारे लोग बैठ गए, सारे लोग बैठ गए, ठीक है भैया चलो। हमारे सनी भाई भी बैठे, सनी भाई बैठो। देख रहे हैं वो नाव, ये वाली जो नाव है देखिए, हिलवा नहीं है। पीछे की जो नाव है, जो गांव के लोग हैं यहाँ पे बैठे के, उस पार होंगे जो नदिया के उस पार, इस पार से उस पार जो बाजार करने के लिए आए हैं, और उधर उस साइड में इनको छोड़ दिया जाएगा वहाँ पे। और हमारी बोट भी चालू हो चुकी है, देखिए बोट चालू। बाबू जी बोट चालू हो चुकी है यार। बोट चालू हो चुकी है, अंदर जा रहा है, और ये देखिए नज़ारा यहाँ का। आ चुके हैं अंदर की तरफ, आ चुके हैं हम लोग ठीक पे। अब हमारी नाव लग चुकी है यहाँ पे, देखिए हम लोग उतरने के लिए रेडी हैं, और कॉस्ट्यूम जो हम लोगों पहना है तो ये भी हम लोग उतार देंगे जल्द से जल्द। और देखिए यहाँ पे हमारा धक्का लगेगा भैया, धक्का करना लगेगा, धक्का लगने वाला है हम लोगों को यहाँ पे। ये जो समल गया तो समल गया, नहीं तो जो गया सो गया। कल्टी हो लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। हमारी पूरी टीम के साथ हम लोग आए हैं, काफ़ी हवा चल रही है यहाँ पे, बहुत ही शानदार ठंडी हवा। तो ये ब्रिज हम तुम्हें दिखा रहे हैं, देखिए बहुत ही शानदार ब्रिज बना है, और इसमें जो ऊपर से डिज़ाइन डाली गई है ब्रिज के ऊपर से, वो देखने लायक है काफ़ी। और जब शुरू में 1 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ था, बहुत पब्लिक यहाँ पर थी फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए। और ये नीचे से मालगाड़ी जा रही है, देखिए स्टेशन के नीचे का नज़ारा है। और ये देखो भाई, ये जा रही है दिल्ली लाइन है इस साइड में, और इस तरफ है ये है बीना भोपाल लाइन इस साइड में। देखिए ये ब्रिज का नज़ारा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत शानदार नज़ारा।
ये स्टेशन लैतपुर का।